हेलो दोस्तों, बहुत दिन बाद फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। आज हम अनबॉक्स करेंगे एक TDS मीटर का जो मैंने पेटीएम में ऑर्डर किया था। ठीक है, आज वो डिलीवर्ड हो गया है तो आज इसका हम अनबॉक्स करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ TDS मीटर का ही अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे TDS, एक टेस्ट, छोटा सा टेस्ट करेंगे म्यूनसिपलिटी का जो वाटर पानी आता है उसमें, उसका सिर्फ TDS टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे किसका, म्यूनसिपलिटी के पानी का और मतलब आपका मिनरल वाटर का और प्योरीफायर का कितना TDS रहना चाहिए और कितना TDS है उसमें, वो टेस्ट करेंगे, वो अगले वीडियो में बनेगा। बस इस वीडियो में सिर्फ अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेटीएम का पैकेट है, जैसे लिखा हुआ रहता है पेटीएम का, ऐसे बिल वगैरह रहता है। ठीक है ना, इसका कंपनी कौन सा, ये है सप्लायर जिंदल क्रिएशन बोल के एक है, जिंदल क्रिएशन। ठीक है, कहाँ से, स्टेट दिल्ली का है। ठीक है, अभी इसको हम ओपन कर रहे हैं। अरे वाह, पैकेट तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे मोबाइल का कवर होता था पुराने दिन का, पुराना जमाने का। TDS मीटर होल्ड, ठीक है चलो खुलते हैं भाई। ओ ये किसी भी होल्ड करने के, रखने के लिए वॉल पे। अच्छा, ये है आपका TDS मीटर, HM का है, HM डिजिटल। होल्ड बटन, टेम्परेचर बटन एंड ऑन ऑफ बटन। यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन है, यहाँ पे कितना TDS होगा वो दिखाएगा। TDS 3, TDS टेम्परेचर में मीटर होगा। अच्छा, ये रखने के लिए। ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है ना। ये मुझे पेटीएम में मिला था 399 का, उसमें कैशबैक मिला का मिला है 200 का। ठीक है ना, तो 199 मिला है, 199 इसका कॉस्ट प्राइस आया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पिन है, ठीक है, और शायद यहाँ पे स्टील का होगा, स्टेनलेस स्टील का ही होगा। ठीक है, और बाकी पूरा बॉडी मेटालिक, ये प्लास्टिक है सॉरी। यहाँ पे एक बहुत ही लो क्वालिटी का आपका यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन दिया हुआ है, तो इसमें आपका काम चल जाएगा शायद। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसको पानी लेने के बाद इसको बंद करना पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद आना, देखते हैं टेस्ट करके देखते हैं छोटा सा अंदर क्या है। इसके अंदर मैनुअल है TDS मीटर का। एक छोटा सा मैनुअल है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, TDS क्या है, TDS मीटर कैसे यूज़ करेंगे। 3 ईयर लिमिटेड वारंटी, वारंटी है इसके साथ। देखिए, दिस प्रोडक्ट इज वारंटेड टू द परचेजर अगेंस्ट मटेरियल एंड वारंटी। यहाँ पे दें, अच्छा
यहाँ पे देखिए एक और इसी प्लस माइनस 2% बैटरी, 1.5 वोल्ट का 2 है बटन सेल, साइज़ इतना हुआ दिया है, 76 ग्राम इसका वेट है, रेंज और पीपीएम इतना है। फीचर्स क्या है, होल्ड फंक्शन है, सिर्फ मेजरमेंट्स फॉर होल्ड मार्कर, जो मेजरमेंट हो गया है ठीक है ना, टीडीएस आपको जो रिजल्ट आया है उसको होल्ड करने के लिए ठीक है ना। ऑटो है यहाँ पे ठीक है, 10 मिनट्स के बाद नॉन यूजर को ऑटोमेटिक बैटरी को सेव के लिए ऑफ हो जाएगा। टीडीएस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, रिमूव द प्रोटेक्टिव कैप, मतलब ये जो कैप है वो रिमूव करने के लिए। अच्छा ठीक है, हम ये कैप नहीं, ओ सॉरी सॉरी, इसका नहीं, इसका जो कैप है मतलब ये प्रोटेक्टिव, ये रिमूव करने के लिए ठीक है। रिमूव किया, उसके बाद टर्न ऑन टीडीएस मीटर ऑन, ठीक है टीडीएस मीटर ऑन, देखिए टीडीएस मीटर ऑन हो गया है ठीक है ना, यह पे 0 0 0 शो कर रहा है, 0 0 0 BPM ठीक है, पार्टिकल्स पर मीटर में। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद बोले इमर्स ऑन द मीटर इनटू द वाटर सॉल्यूशन अप टू द मैक्सिमम इमर्स लेवल 1 और 2 इंच, 1 और 2 इंच आपको इमर्स करना पड़ेगा ठीक है ना पानी के अंदर। उसके बाद वेटिंग अनटिल द डिस्प्ले स्टेबलाइज, टीडीएस मीटर ऑटोमेटिकली कॉम्पेंस ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने पानी लिया हुआ है, ये म्यूनसिपलिटी का पानी है ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा इमर्स करके रखेंगे। देखिए ऑन है अभी, म्यूनसिपलिटी का पानी है, वहाँ पे देखिए टीडीएस कितना आया, होल्ड करके रखा है 165, मतलब उसके बाद मैंने होल्ड बटन प्रेस किया था मतलब रिजल्ट होल्ड करने के लिए आपको दिखाने के लिए, देखिए 165 ठीक है। 150 के 120 मतलब 100 से 100 150 तो ठीक ठाक ही है, 165 है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, इसमें इस पे यूवी लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ठाक ही है ठीक है। टेम्परेचर फिर से हमने ऑन पोजिशन अगर रीचेक करना चाहते हैं तो फिर से हमको ये पानी में, पानी के अंदर या पहले पानी फेंक देते हैं। देखिए अब स्टेबलाइज हो जाएगा, 165 में स्टेबलाइज हुआ है, होल्ड बटन प्रेस करिए, क्या दिखा रहा है देखिए 166 के आसपास ठीक है। अभी मैं होल्ड बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए 166 165, प्लस माइनस 2% आप मान के चले इधर उधर ठीक है ना। तो ये टीडीएमएस काम का ही चीज़ है, बहुत ही काम लगेगा, आपका घर में लग सकता है, आपको अगर दिक्कत हो सकता है पानी में, पेट खराब हो सकता है अगर,
आप सोच रहे पानी कैसा कितना है, TDS लेवल कितना है, तो आप घर का पानी, नल का पानी, म्यूनसिपलिटी का पानी या बाजार से ख़रीदा हुआ पानी भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे किसमें कितना TDS रहना चाहिए और TDS क्या है, कितना लेवल तक ज़रूरत है। ठीक है ना, तो आज के लिए बाय, थैंक यू।